Assalamualaikum guys, अच्छा जी, सो आज वी आर एट द मोहसिन नवीद रांझा डिज़ाइन स्टूडियो. दिस इज क्या कहते हैं इनके लाहौर जो एम एम आलम रोड वाली ब्रांच है, ठीक है. मैं दैट स्टोर, फिर एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि जी कौन से स्टोर पे हैं हम. तो जी हम उस स्टोर पे हैं और वी गोना सी द कंप्लीट कलेक्शन इंशाल्लाह जी. सारी डिटेल्स हम देखेंगे. आई एम होपिंग कि मेरी आवाज़ आ रही हो. ओके, आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद ये पिंक आ गया. नहीं, इस वाइट से शुरू करते हैं. दिस वाइट इज स्टनिंग. आई थिंक इसकी जो मॉडल पिक्चर है ना, it does not do justice to it, because I cannot explain to you, but when you hold this dupatta na, it's so soft, literally it's like malai. Obviously because the fabric jo hai wo pure hai. It's beautiful, look at the detailing, it's beautiful, look at this. Yeah, फिगर थोड़े हम डिज़ाइन जो हैं ज़्यादा इस तरह दिखाते हैं ताकि स्टिचिंग भी हो सके. बाजी उन्हें अपनी स्टिचिंग भी करनी होती है. मेरा लिटरली एवरी फ्यू मंथ्स एम एन आर स्टूडियो में चक्कर लगता है कलेक्शन लॉन्च पे. अच्छा जी, लेट्स सी. ओए, so the fabric is very soft you guys, theek hai, and this is very classic, very typical MNR aesthetic jo inka with sequins and everything. Wallahi mannequin ji seems very temperamental mannequin. Yeah, the embroidery is nice. Acha ye I think they've given a sort of a silk type ka patch diya upar lagane ke. It's very nice, very pretty. Honestly speaking, picture mein this was, mujhe model picture mein iski aapko aesthetic nahi samajh aati is outfit ki. It's a very very pretty outfit. Haan, dekhiye ye saath silk hai. The fabric is very soft. Acha, ek aur cheez ye dekhiye. ठीक है, सो स्टिचिंग में दे हैव नॉट डन एनी फ्यूजिंग. तो हम जो देख रहे हैं, दिस इज हाउ द आउटफिट इज. एंड आई वाज रीडिंग अप एंड दे वर सेइंग के जी द फैब्रिक इज इनफ, के जैसे उन्होंने स्टाइल किया हुआ ना मॉडल पिक्चर में उस तरह बन जाएगा. और ये देखिए, दे हैव यूज दिस आई थिंक पार्ट ऑफ द दुपट्टा फैब्रिक फॉर द पल्टा. This looks very nice. ऑर्गेंजा हमेशा बच जाती है. मैंने देखा जब आप इनको दुपट्टों के आगे पीछे लगाते हैं तो बच जाती है, और आराम से हम इसका वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ये जी बैक भी देख लें, टैसल भी देख लें. ऑब्वियसली ये आपके टेलर ही बनाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली सिंस वी वांट स्टिचिंग डिटेल्स, सो दिस इज द कम्प्लीट आउटफिट. ठीक है, थोड़ा सा पीछे से देखते हैं. दिस इज ब्यूटिफुल, ऑनेस्टली एब्सोल्युटली स्टनिंग. अच्छा, अब लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्रीन वन. फैब्रिक जो है इनका इज ब्यूटिफुल, इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स प्योर. ठीक है, आई लव दैट. अब एक्सक्यूज मी, डिज़ाइन यू गाइस नो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है. आई एम कमेंटिंग ऑन द क्या कहते हैं उसको, द क्वालिटी. द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी नीट. ठीक है, इट्स नीटली डन. ये द चिकनकारी वर्क, एवरीथिंग, दिस होल शिफली बिट सारा जो है वेरी नीट. सारी जो अटेंशन टू डिटेल है काम की, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर. ये जी, ये मैंने कहा भाई साथ
इसको इस तरह देखते हैं। अच्छा ये आई थिंक आप ये देखे ना, दिस इज अनदर एक्स्ट्रा कपड़ा, दिस इज कॉल्ड फ्यूज़ है। एक्सक्यूज मी, ये अच्छा ये प्रिंट बहुत प्यारा है, दिस रोजेस, दिस इज अ टिपिकल M&R एस्थेटिक, ठीक है। सो इफ यू लाइक दैट एस्थेटिक और आपको क्वालिटी का हो रहा था तो आई वुड से द क्वालिटी इज ब्यूटिफुल, बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखिए इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी नाइस। आई थिंक इस कलेक्शन की जो प्राइस रेंज है दैट इज फ्रॉम 16,500 to 18,900 आई थिंक, ठीक है। तो ये जी इसकी प्राइस रेंज है, ठीक है। स्टिचिंग डिटेल्स भी हमने देख ली, मत अच्छा एक मिनट, ये लॉन का ही आउटफिट है, पता नहीं मैं किसकी वीडियो बनाती रही हूँ, ठीक है लॉन का ये वो लॉन का ही है, मतलब जो अभी अब ये जो अभी लॉन्च हुई है कलेक्शन, हाँ ठीक है। ये और वो ये मिल जाएगा 7,000, मैं कम एक गलत कलेक्शन बना, ठीक ठीक। अच्छा ये ग्रीन भी सीन, द ग्रीन वन, वाइट भी हम बाद में देखते हैं। आई थिंक लेट्स लुक एट द ब्लैक वन राइट नाउ, इस ब्लैक की बहुत टू बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, एवरीबडी वॉन्टेड टू सी कि ये ब्लैक कैसा टर्न आउट होगा, सो लेट्स सी। एंड अच्छा सो दिस इज आई डोंट नो, ये दिस इज कॉटन नेट, जो फैब्रिक कॉटन नेट, आई थिंक इसको फैब्रिक कॉटन नेट कहते हैं, क्या कहते हैं ये, ठीक है। अच्छा थिंग इज मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि फैब्रिक क्या है, लाइक अ नेट टाइप है, कॉटन नेट का मुझे नहीं समझ आ रही, डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ेगी। सो इट्स दैट फैब्रिक, ये आई हैव गिवन दिस एम्ब्रॉयडर, दिस थ्रेड एंड सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी, साथ ही है ऑल दीज ये पट्टियाँ, नहीं हाँ एम्ब्रॉयडरी है खाली, ठीक है। सो वी जस्ट गेटिंग द एम्ब्रॉयडरी, द ब्लैक इज ये नीचे, अगेन आई थिंक ये इनका एक ट्रेडमार्क दुपट्टे में एस्थेटिक है, आई रियली लाइक दिस। ये सारे ऊपरी फ्लावर्स वगैरह हैं, ये लेस नहीं है। अच्छा दुपट्टा हमने देख लिया, ना लग सकता शर्ट, अगेन दिस शर्ट जो हमने मॉडल पिक्चर दी है उसकी जो चीज़ बनानी है ना फैब्रिक उतना ही है, ठीक है। सो ये इधर से भी जो फैब्रिक आपका बचेगा आप कहीं लगा सकते, एक्सक्यूज मी। एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है गाइस, एम्ब्रॉयडरी वेरी नीट, ठीक है। जो फैब्रिक है लॉन है अच्छी, अब मुझे दिस लुक्स लाइक पीमा लॉन टू मी, ठीक है। पीमा इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लॉन, इसमें हुई भी है थोड़ी बहुत ही फ्यूजिंग, इसलिए आई कैन नॉट टेल यू कि ये सी थ्रू है कि नहीं, ठीक है। नीचे देख लेते हैं इसका, इन्होंने ट्राउज़र में क्या बनाया हुआ है, दे मेड दीज ट्राउजर्स, सो आई थिंक ये साथ होगा बिकॉज इट मेक्स नो सेंस, और मे बी आई डोंट नो,
होना चाहिए। ये ले टैसल, जिन लोगों ने टैसल बनवाने दिस इज फॉर थोर्स। ये ठीक है, बैक भी देख ली है हमने। अच्छा इसका रेट का दुपट्टा है, दिस इज द बैक। दिस वन देख लेते हैं, द पीच वन। सो अब मेरे बिल्कुल सर के ऊपर स्पीकर है, सो आई एम होपिंग आप लोगों को आवाज़ आएगी, लेकिन इन केस नहीं आती तो आवाज़ कम हो गई है, थैंक गॉड। ओके सो ठीक है, दिस इज़ हाउ दिस लुक्स। लेट्स गेट क्लोजर, लेट्स सी के ये एक्चुअली दिखाई दिया। दिस इज ब्लेंडेड और कैंजा दुपट्टा, ठीक है। दिस इज सफ़ेद स्प्रेड, दिस लुक्स वेरी क्लोज टू प्योर, दिस दुपट्टा वेरी क्लोज, यू कांट टेल। आई थिंक दिस इज प्योर, बट टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक जिनको पसंद है उनको बिल्कुल 99.9% को बिल्कुल नहीं डिफरेंस भी नहीं पता होना, ठीक है। सो दे हैव गिवन दिस ऑर्गेंजा और आई थिंक उसके साथ ये फ्लावर्स हैं, इट इज़ अ सो नाइस 3D वर्क है। आई हैव अ फीलिंग ये साथ डेफिनेटली होना चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल टू बी पुटिंग दैट एंड इट्स वेरी, बहुत अच्छा अमेलगमेट हो रहा है पूरे आउटफिट में ना। ऑब्वियसली आप नीचे कपड़ा लगा लीजिएगा, दिस इज फॉर इंस्पिरेशन। एस्थेटिक ऑब्वियसली इज योर ओन, ठीक है। दिस हैज दैट बिट ऑफ शिफ्ली वर्क, आई थिंक इसमें कोई आपको ज़्यादा लेसेस नहीं लगानी पड़ेंगी, ठीक है। ये इसमें थोड़ी अगेन यू गाइस आई कांट टेल यू द क्लॉथ इज सी थ्रू नॉट बिकॉज दिस वो होती है फ्यूजिंग है, बट लुक्स लुक्स वेरी नाइस, बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स सी। ये स्लीव्स विद एम्ब्रॉयडरी है साथ, आई थिंक ये लेस है और ये साथ आई थिंक उन्होंने दी होगी ना। This is embroidery that's given. Apologies for the continuous coughing, लेकिन मेरी ऑनेस्टली अब तो 2 साल हो गए, हर 2 महीने बाद खांसी हो जाती है सिंस द होल कोविड थिंग, इसलिए अब कुछ भी नहीं कर सकते। ये जी आई थिंक हाँ ये पैच आपको ऑब्वियसली मिलेगा एंड यू विल हैव टू गेट दिस पैच, ठीक है। चलो जी शेरवानी आर रियली नाइस, आई थिंक सेपरेटली किसी दिन शेरवानी का रिव्यू करेंगे, ऑल्दो आई डोंट थिंक कितनी ऑडियंस है जो बैठ के शेरवानियाँ देखेंगी, अतून शेरवानी रिव्यूज हैं, ऑल्दो नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा अब हमने पीच देख लिया, वी सीन पीच, वी सीन ब्लैक, वी सीन ग्रीन एंड वी सीन द वाइट वन, ठीक है जी। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन, दिस इज द येलो कलर, मस्टर्ड तो नहीं, मस्टर्ड के करीब है ये कलर। एक तो ये जो मेरा एक टेस्ट शुरू हो जाता है ना, एक कलर बताए कलर का नाम क्या है, नहीं अक्सर नहीं। अब दिस इज ब्लू, ठीक है, पर मुझे नहीं पता है कौन सा ब्लू है। अब जी ये येलो है, तो जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना येलो का, ये ऐसे ही कलर है। अच्छा जी लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस स्लीव्स अगेन। अच्छा दे हैव डन दैट सिल्क पट्टी थिंग व्हिच लुक्स वेरी नाइस, व्हिच लुक्स वेरी एलिगेंट,
This was started by Elan, I remember. They always used to get those silk patiya and sara. Very. Achha, somehow na, personally, maximum pe the dupatta is my absolute favorite. This dupatta is so pretty. My God. The shirt is okay, nice, but the dupatta is beautiful. But pure organza hai ji. I think this is called flock printing. And with this whole lacy border, it's so nice. So chic and elegant. I love it. Shirt jo hai, achhi hai, theek hai. ठीक है अब एम्ब्रॉयडरी हमने देख ली है नीचे ट्राउजर जो है वो आई थिंक इसके साथ ही प्रॉब्लम के बॉर्डर्स तो होंगे डेफिनेटली होंगे बैक भी देख लेते अच्छा बैक पे सारा ये वही फ्लॉक टाइप वर्क है पेस्ट वर्क कहते हैं इसको इसको तो आई थिंक पेस्ट वाला कहते हैं ये बैक में ये पट्टी है This is so nice. Who is this guy? I'm sorry. Apologies. Need to see. Yeah, ये मुझे लगता है उसका है. Wedding वाला है ना? Price देखते हैं फिर पता चल जाएगा. Sorry, me and my tangents. Unlike 85,000, definitely not वो वाला. Beautiful, look at the mirror work. I love this color. Ye jo color hai na, it's a cross between pink and lilac. It's so gorgeous. Toba, non ke review mein garara bhi aa raha hai. Baaji, garara review included. Okay, so ab hum ye dekhte hain. I think this was their shuru wali video, the plum one. Sara was wearing this, right? One thing I would say, okay, if you like the designs, the quality is very nice, go for it. अब वही बात है ना डिजाइन जो है वो पर्सनल चॉइस है माय लेडीज हर बंदे की अपनी चॉइस होती है व्हेन इट कम्स टू डिजाइंस सो This is, ये मुझे लेस नहीं लगी ये भी मुझे सारा लग रहा है ये साथ ही होगा तो कच्चे के सो ब्यूटीफुल फ्लोरल टाइप प्रिंट और ये वो पता नहीं आई थिंक इस फैब्रिक को क्या कहते हैं मुनार कहते हैं आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दिस इज कॉल्ड मुनार ब्यूटीफुल सॉफ्ट फैब्रिक है शिमरी शाइनी टिपिकली वेरी वेरी एमएनआर दूर से आपको पता चलता है कि ये उनका वो है सॉरी अब फिर खांसी आ रही है बिल्कुल बुढ़ी अम्मा लगी है हाँ दिस इज नाइस दिस इज यू नो अ होल चिकन वॉक वेरी प्रिटी This is the sleeves. Okay, so they've said this constantly that fabric is enough ke aap jo bhi style, whichever style they've shown. Okay, they agar unhone isko garara banaya hai, so I'm pretty sure ke garara ban jata hoga. So they've said XL plus sizes ke liye fabric hai, which is very nice, very inclusive. ये इसकी बैग बड़ी अच्छी है गला बहुत डीप है सैडली पहन नहीं सकते पर अच्छा तो लग रहा है ये
बट इट्स वेरी नीट। अब मैं आई थिंक 50 बार कह चुकी एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट है, अब आप सबको पता होना चाहिए एम्ब्रॉयडरी नीट है, नॉट सेइंग इट अगेन। आई थिंक अब वही बात है, मुझे देखना पड़ता है कि मैंने एक सूट का कितना दिखाया है, क्योंकि फिर मुझे एक कंप्लेन मिलती है कि जो मुझे सूट पसंद था आपने वो बहुत कम देर दिखाया था, मैंने फलाने कॉर्नर का फलाना एंगल देखना था। तो जी ये ले फलाने कॉर्नर का फलाना एंगल। सो आई एम अज्यूमिंग यू गोना गेट दीज इन पैनल्स, ठीक है, गला डेफिनेटली सेपरेट होगा, एंड यू गोना हैव दिस ट्राउजर डन। ओके आई थिंक नाउ वी हैव सीन 6 ऑफ दीज, 2 आर लेफ्ट, the white one and the pink one. Actually, this pink is nice. So I saw that video, उन्होंने वो उसकी रील ज़ारा वाली रील थी, तो I was like maybe Zara is making it look pretty, but I think it's a pretty outfit, the pink one. The white one is very pretty. This is also very nice. Wait a minute, I'm so confused. Kya वो वाला जो वाइट है और ये वाला जो वाइट है इसी कलेक्शन के हैं? मुझे क्यों नहीं नजर आई इनकी मॉडल पिक्चर्स? दिस इज सो प्रिटी, दिस आइवरी वन, ओह इंटरेस्टिंग। पता नहीं क्या दुपट्टा है, सिल्क टाइप है पर ये फ्लॉक चीज है, आई हैव नो आइडिया कौन सी सिल्क है भाई, बट इट हैज ऑल दिस चिकनकारी विद इट। आओ this is so nice. So I found my 3 favorites, top favorites. This white is very beautiful, very elegant. Iske hai, iski bhi hai, again confusing hai, to phir hum nahi bata sakte ki kitna see through hai fabric. I'm pretty sure it's white, so it's gonna be see-through, but it is fully, ye full iske upar, beautiful kisam ki. Kya hai bhai? Chikankari, embroidery, thread work. Very, very, wo nahi hota, lush, posh, decked out. Very nice, it's very elegant to be honest. Ye aur wo white wala. Uffala, I'm so confused. और अपॉलोजीज इन एडवांस अगर वो इस कलेक्शन का नहीं है तो बहुत प्यारा आउटफिट आई थिंक इसी कलेक्शन का है, बट सो नाइस दीज टू, आई एम सो कन्फ्यूज कि मुझे नज़र क्यों नहीं आए थे, मैं तो गई कि मॉडल पिक्चर्स में थे, वेरी कन्फ्यूज। दिस इज स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ अ सिल्क, आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड दिस सिल्क, इट्स वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट। अच्छा I have to restart the video because my focus is going out. Okay, finally we're back in focus and I've been told ki ji display please na kharab kare. To ji ab display nahi kharab hoga. I'll try to make this video. Dekho ji. Without touching the video. कसम से फ्री के इन लोगों की बंदा बनाए वीडियोस आगे से चुर चुर सुनो। नीचे का ही ऑल दीज सारी जो है पैचेस वगैरह डेफिनेटली गाइस सिलाई आपको करानी पड़नी है, ठीक है जी, कोई वो नहीं है। डेफिनेटली दिस वाइट एंड आई थिंक इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि वाला
this very nice. But I'm very surprised why there are two whites in this collection. तो मुझे really confusion हो गई थी मेरे same outfit है क्या है. अच्छा now we see this blue one. This is the Zara one. ठीक है जी ये दुपट्टा देखें. ये नीचे भी आई थिंक दिस इज ऑल प्रिंट और ये है जी साइड पे एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयड्री है सारी डेफिनेटली. स्टिच भी करवानी पड़नी है. दिस इज वेरी गुड गाइस फॉर यू गाइस. ये भी अब मैंने दिखा दिया सारा. बैक में भी बैक शायद जल्दी ही. ओ हाँ बैक के टैसल्स आए उधर से देख के. हाँ वेरी वेरी डिफिकल्ट. So guys, now we have seen all the these outfits. These three are definitely ye, aur ye, definitely my top favorites. See, yeah, honestly, I would recommend in me se koi bhi aap le le. Totally worth it. Obviously, expensive hain. Because I think the price range, I think इनकी सबसे expensive price ranges में आती है इनकी Zainab Chattani Maria B. अगर Maria B से आप compare करें तो Maria B has not given a good fabric. फैब्रिक पे अगर आप जाएं तो इनकी फार 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 बेटर है. सेम विद Zainab Chattani. सेम क्योंकि ये तीनों जो हैं एक प्रॉपर डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं एंड ऑल थ्री हैव लॉन्च्ड दिस लॉन कलेक्शंस ना. उसके अंदर देयर्स इज डेफिनेटली बेटर क्वालिटी वाइज. अब इसी रेंज भी यूर रेंजिंग फ्राम 16,500 टू 18,900. ठीक है सो डेफिनेटली they have क्या कहते हैं done justice to the you know उसको क्या कहते हैं. अब मतलब अगर उन्होंने अपनी प्राइस रेंज उस तरह की रखी है तो आपको अच्छा कपड़ा भी दिया. सो दैट इज टोटली आई वुड से इन तीनों मतलब अगर मेरी फिर आप पिक लेंगे तो आई वुड से इन तीनों में से कोई ले लें. ठीक है क्वालिटी हमने देख ली है बाकियों की भी अच्छी है. डिज़ाइन ऑब्वियसली हर बंदे के सॉरी हर बंदे का अपना एक स्पेसिफिक एस्थेटिक. ऑफ द ब्लैक इज नाइस इज वेल कम्प्लीटली फॉरगॉट एक्सक्यूज मी द ब्लैक इज वेरी नाइस इज वेल. हाँ सो आई वुड से दीज फोर 1, 2, 3 and 4. ठीक है बाकी भी अच्छे हैं आपको अच्छे लगते हैं तो ले लें अच्छी बात है. मैं अपने उसमें ऑब्वियसली कि मेरी पर्टिकुलर डिज़ाइन उसमें क्या है और अगर सिर्फ एक दिस वन हैंड्स डाउन सिर्फ एक लेना है तो ये वाला टू गुड आई एम लव विद दिस आउटफिट सो सो लुक एट इट. मैं पूरे दो घंटे आपको यही आउटफिट हर एंगल्स और इसके प्रोज दिखा सकती हूँ. दिस इज अ स्टनिंग आउटफिट एब्सोल्युटली स्टेलर. सो आई थिंक वी आर डन. आई हैव सीन मोस्ट इन द विद्रांज लग्जरी लॉन 2024 और ये हम भी आ गए
this is it too, guys. Take care. I hope you guys enjoyed it. Please like the video. Subscribe to my channel if you haven't subscribed already. यहाँ पे channel नाम है, यही मेरा Instagram पे भी है. Go follow me over there. Check my stories. और end पे भी मैं videos लगा रही हूँ. You can go check them out. And बाकी this is it. Inshallah, Allah पाक खैर करे. See you guys in a new collection.